हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा टीवीएस रेडियोन के ब्रेकिंग के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि टीवीएस रेडियोन का ब्रेकिंग कैसा है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ सही है या नहीं। क्योंकि कोई अंदर कह रहे हैं कि इसका ब्रेकिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने सुना है ऐसा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा टीवीएस रेडियोन का ब्रेकिंग कैसा है और जो SBS है सिंक ब्रेकिंग सिस्टम, ये काम कैसे करता है। और मैं आपको बताऊंगा ये जो ब्रेकिंग व्यू दिया हुआ है SBS सिंक ब्रेकिंग सिस्टम, ये सही है या नहीं, ठीक है। और वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि SBS जो ट्रेकिंग SBS सिंक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो दिया हुआ है दो। जैसे कि आप पिछला ब्रेक भी आप प्रेस करते हो तो अगला भी आपका दोनों साथ में प्रेस होता है, तो इसी को कह रहे। बाकी मैं आपको एक चीज़ है ना क्लियर रहने कर दूं, जैसा कि आपको कहीं है ना सोचते भी ऐसा, तो जैसे कि सिंक ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ कुछ अलग दिया हुआ, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बस एक वायर जो दिया हुआ है ये पूरा दिया हुआ है, बैग जो ब्रेक है उसके साथ कनेक्ट है। जैसे कि आप पिछला ब्रेक प्रेस करते हो तो अगला भी आपके साथ लगेगा, और ये चीज़ आप क्लियर हो जाओ कि इसके अंदर ड्रम ब्रेक ही है ना दिया हुआ है, ड्रम ब्रेक है, इसके अंदर कोई अदर ब्रेक नहीं है, इसके अंदर ड्रम ब्रेक है। जैसे कि देखो ये ब्रेक आपकी थोड़ी सी है ना सेफ्टी के लिए सही है, जैसा कि आप कोई अदर बाइक करते हो जिसमें आपको दोनों ड्रम ब्रेक दिया हुआ है, तो आप जैसे कि 40 या 50 के स्पीड पे हो तो उसमें आप कहीं ब्रेक यूज़ करते हो पिछला ब्रेक, तो थोड़ी सी फिसलने की और थोड़ा सा डर होता है कि अंदर गाड़ी फिसल जाएगी। और इसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है कि आप जहाँ पर प्रेस करते हो तो दोनों साथ में लगता है। कभी आपने देखा होगा या ने ट्राई किया होगा कि आप 40-50 के स्पीड में हो और आप दोनों ब्रेक, जैसे कि जो ड्रम ब्रेक है उस ब्रेक को आप दोनों प्रेस करते हो, थोड़ा कंट्रोल से अच्छी तरीके से रुकती है गाड़ी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है, बाकी इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। और किसी किसी का अंदर कमेंट आ रहा था कि इसका ब्रेक ही नहीं लगता, भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर ब्रेक लगता है। वो मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा दूँगा इसमें, ठीक है ना, इस वीडियो को पूरा देखना। और अब मैं थोड़ा सा आपको इस ब्रेकिंग के बारे में दिखाता हूँ, ये थोड़ा वायरिंग कैसे जा रही है और कैसे काम कर रहा है, तो मैं आपको इन्हें बता दूँ, फिर मैं आपको इन्हें चला के भी दिखाऊँगा। जैसे कि ये चीज़ हो गई बैक का ब्रेक है, ठीक है ना, ये जो हमने काम किया, ठीक है ना। और यहाँ से जो वायर आ रहा है, ये जो वायर है ये तो हो गया बैक का, ठीक है, और ये जो वायर जो है ना जा रहा है, ये जो है ना वाइट कलर का जो इसके ऊपर धूल है, ये जो वायर जा रहा है ये है पूरा आ रहा है ये यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं। जैसा कि ये देखो, ये मैंने प्रेस किया तो ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है ये प्रेस हो रहा है। और हाँ, कोई कह रहा है कि इसका ब्रेक दबाने पे लगता नहीं, भाई देखो लगेगा, और यहाँ से आप मैनुअल भी टाइट है ना कर सकते हो। जैसे मैंने घुमाया तो ये अगला है ना ब्रेक का फ्रंट जो ब्रेक है उसका टाइट हो जाएगा, तो ये मैंने वैसे कर दिया कि मैंने अपने हिसाब से कंफर्म इसे कर दिया कि मुझे कितना ब्रेक सही लगता है। और ये हो गया जो आप पिछला ब्रेक प्रेस करते हो तो उसका दिया हुआ, देखो जैसे मैंने प्रेस किया इसके बीच में आ गई गैपिंग, इसके बीच में नहीं आया, तो अभी तो ये प्रेस हुआ है, ठीक है। और जब आप फ्रंट और आप जैसे कि पिछला ब्रेक करते हो यूज़ तो ये वाला होता है यूज़, और अगला ब्रेक करते हो यूज़ तो ये वाला होता है, ठीक है। और दोनों का वायर अलग अलग है, बैक से फ्रंट का अलग है और फ्रंट का डायरेक्ट ये अलग है, बाकी ये अंदर लगता है। और मैं आपको अंदर चला के भी दिखाऊंगा कि ये कितनी कंट्रोल से और कितने डिस्टेंस पे गाड़ी रुकती है, ठीक है। बाकी तो इस वीडियो में आपको इतना तो हो गया होगा कि भाई देखो अलग इसके अंदर कोई डिस्क ब्रेक नहीं है कि जहाँ पर आप मारोगे वहाँ पर रुकेगी, जैसा कि आप ड्रम ब्रेक करते हो यूज़ आपको चलाते वक्त ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि आप सिंक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बस इसका जो है डायरेक्ट जो है ना फ्रंट से जो है ना कनेक्शन कर दिया, जो डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है जो दोनों प्रेस होता है, तो वो है बस, एक आपको थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है कि कंट्रोल से गाड़ी रुकती है, बाकी कोई ऐसा कोई चेंज नहीं है कि आप डिस्क की तरह सोचो कि आपने कहीं ड्रम ब्रेक किया यूज़ तो आपको कहीं से फील नहीं होगा कि आप कुछ अलग ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ी सी आपको चला के बाद दिखाता, लगता आप गौर से देखिएगा ब्रेक की तरफ, हो सकता है रिकॉर्ड करूँगा आपको कुछ दिखाने की तो आप देख लेना, क्योंकि कोई कोई कहते हैं कि ब्रेक काम सही तरीके से नहीं करने लगता, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि ब्रेकिंग काम क्यों करता है।
और हाँ गाइस, कि जैसे कि सबके सब है ना कमेंट में, ये जो मैंने पावर के ऊपर जो माइलेज चार्ज किया था, तो सब कह रहे हैं कि आपने 40 से 50 की ही स्पीड ने चलाई थी, तभी भी पावर पे ये तो इकोनॉमी है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आप तब भी ये पावर पहुंच जाएगी, तो इसलिए ये दिया हुआ है इकोनॉमी और पावर की लाइफ, कि आपको इससे पता चले कि आप पावर पे चला रहे हो या फ्रंट गेट ब्रेक मैंने इन्हें लगाया था, तो उसमें तो आपको कुछ हद तक महसूस हो गया होगा। पर हाँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ गाड़ी रुकती कैसे है फ्रंट से। फ्रंट ब्रेक मैं करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट आपके तो ब्रेक फ्रंट ब्रेक लगता नहीं है या है ना कुछ भी ऐसा कि है ना ब्रेक बेकार, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि फ्रंट ब्रेक में गाड़ी कितनी कंट्रोल होती है, और फिर मैं लगाऊँगा पीछे वाला ब्रेक जिससे दोनों कंट्रोल होगा। ठीक है, ये आपने देखा सिर्फ मैंने फ्रंट ब्रेक किया है यूज़, जैसा कि ये, ठीक है ना। और अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, हो सके तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी अच्छी, आपको दिखाता हूँ ब्रेक कैसे काम करता है, आप गौर से देखना। ठीक है, आपने देख लिया होगा मैंने सिर्फ बैक वाला यूज़ किया था, कितने सही टाइम और कितने कंट्रोल से गाड़ी रुक गई। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो आपको देख के और हाँ गाइस, ये वीडियो आपको देख के ये तो कंफर्म हो गया होगा कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है और कैसी नहीं है। थोड़ी सी मैंने डेमो आपको दिखा दिया, बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को हसन ब्लॉग चैनल इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे वीडियो में व्यू तो हो जाता है और कोई सब्सक्राइब नहीं करता, देख के वीडियो चला जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी हसन ब्लॉग चैनल है मेरा, उसे सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ चेक कर लें वो कि उन्होंने बेल आइकन प्रेस किया नहीं किया, क्योंकि बेल आइकन आपने नहीं प्रेस किया तो आपको इन्हें सब्सक्राइब करने में कोई बेनिफिट नहीं है। आप प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है गाइस, और जब तक के लिए ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, बाय।